हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पांचवा लेक्चर, कंपनी लॉ का, कंपनी अधिनियम का एमसीक्यू क्वेश्चन का पांचवा लेक्चर। यह पांचवा लेक्चर भी सेम पीछे के चारों लेक्चर की तरह है। जो लोग चार लेक्चर पीछे का नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। और जो बच्चे हमारे इंस्टाग्राम इसको मतलब एक इमेज चाहिए तो उनको इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। हमारा इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उससे पहले कि जो चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंडों में थोड़ा शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ का पांचवा लेक्चर एमसीक्यू का 101, क्योंकि 25 क्वेश्चनों का सीरीज है तो चार वीडियो में 25 को 100 हो गया और 101 के आज स्टार्ट हो रहा। ध्यान दीजिएगा, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है। प्रश्न पूछेगा कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है, क्यों कहलाती है? चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से ऑप्शन सही क्या होगा? क्योंकि इसका अभिलेख विधान की दृष्टि में है, मतलब ये कानून की दृष्टि में इसका स्थापना किया जाता है, इसको लिखा जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। 102 नंबर क्वेश्चन का रहा है ये कि डेफिनेशन है, चूंकि फुल डेफिनेशन नहीं लिखा गया, शॉर्ट डेफिनेशन लिखा गया है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। और भी बहुत सारा है कि इसकी एक सार मुद्रा अविचन उत्तराधिकार है, हमारा मतलब लेकिन शॉर्ट में एक डेफिनेशन लिखा गया है। तो ये डेफिनेशन किनका है, किस विद्वान का है? तो ये प्रोफेसर हैने का है, ठीक है। नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉक्सी की नियुक्ति की जाती है, जो प्रॉक्सी होता है उसकी नियुक्ति की जाती है, कहाँ की जाती है? तो कंपनी में की जाती है, लेकिन किस उद्देश्य से? अंशधारियों की सभा में उपस्थित होने के लिए, क्योंकि प्रॉक्सी को सभा में बोलने का अधिकार नहीं होता है, सभा में उपस्थित होने और उसे मत देने का अधिकार होता है, लेकिन बोलने का अधिकार उसे नहीं दिया गया। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी के अंश पूंजी में कमी की जा सकती है। जब कंपनी शेयर जारी करती है और उसकी पूंजी भी कई तरीके से होती है, तो प्रश्न यह है कि अंश पूंजी में कमी, जैसे मान लीजिए अधिकृत पूंजी है, अधिकृत पूंजी कंपनी की वो अधिकतम सीमा होती है जिसमें जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जिसे रजिस्टर्ड पूंजी, अंकित पूंजी और अधिकृत पूंजी कहा जाता है। प्रश्न है कि उस पूंजी में कमी या वृद्धि भी की जा सकती है, तो कह रहा है कंपनी के अंश पूंजी में कमी की जा सकती है। जब कंपनी को अंश पूंजी में कमी करना होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ेगा और कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट 105, छोटे उद्योगों में प्लांट और मशीन पर निवेश की सीमा है। छोटे कितने बड़े उद्योग होंगे, कितने पूंजी वाले उद्योग होंगे जिसमें प्लांट और मशीन का इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं? तो छोटे उद्योगों में यह सीमा 5 करोड़ रुपये तक की है, मतलब कि 5 करोड़ रुपए तक के प्लांट और मशीनरी का निवेश छोटे उद्योगों में कर सकते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी समामेलित मानी जाती है, कंपनी रजिस्टर्ड पंजीकृत मानी जाती है तब जब समामेलन का उसे प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए, मतलब जब उसे रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो यह माना जाता है कंपनी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड माने समामेलित है। 107 नंबर क्वेश्चन, कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। जब भी किसी कंपनी का निर्माण होता है, स्थापना होता है, मान लीजिए नई कंपनी है, तो ऐसी दशा में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति उसके प्रवर्तकों द्वारा, प्रमोटर्स के द्वारा की जाती है। जैसे ही पहली वार्षिक सभा समाप्त होगी उसके बाद वार्षिक जो मीटिंग होगी उसमें किसके द्वारा? अंशधारियों द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है 108 नंबर क्वेश्चन कि संचालक मंडल की सभा आहूत की जाती है। बता रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है वो साल में 4 बार बुलाई जाती है और वो भी कब? प्रत्येक 3 माह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर कि कंपनी की वार्षिक सभा बुलाई जानी चाहिए, कंपनी की वार्षिक सभा कब बुलाई जानी चाहिए? वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के अंदर, जब भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो रहा है उसके ठीक 6 महीने के अंदर बुला लेनी चाहिए। 110 कहता है कि व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र आवश्यक है। ध्यान दीजिए, निजी या सार्वजनिक दो कंपनियां होती हैं। निजी कंपनी रजिस्ट्रेशन होते ही अपना कारोबार शुरू कर सकती है, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, व्यवसाय रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपना कारोबार शुरू नहीं कर सकती, तब तक जब तक कि वो व्यवसाय आरंभ करने का सर्टिफिकेट न ले ले। तो एक सार्वजनिक कंपनी को व्यवसाय प्रमाण आरंभ करने का सर्टिफिकेट आवश्यक है। 111 कह रहा है कि वार्षिक साधारण सभा बुलाने से पूर्व कितने दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है? ठीक है, गलती छप गया, 21 दिन। कि जब भी कोई कंपनी अपनी वार्षिक सभा बुलाती है तो उसके सदस्यों को 21 दिन पहले इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, नोटिस देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं
कि पार्षद सीमा नियम का उल्लेख होता है। पार्षद सीमा नियम में किस चीज का उल्लेख होता है? कंपनी के बाह्य जगत का, कंपनी के बाहरी जगत का। पार्षद अंतर नियम में उल्लेख रहता है कंपनी के आंतरिक जगत का, माने आंतरिक क्रियाकलापों का। 114 कह रहा है कि अधिकार से परे सिद्धांत, ये किससे रिलेटेड है? तो ये पार्षद सीमा नियम से रिलेटेड, अधिकार से परे सिद्धांत ये किससे रिलेटेड है? चार ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें पार्षद सीमा नियम का भी नाम रहेगा। 115 कह रहा है कि पार्षद सीमा नियम में होते हैं 6 क्लाज होते हैं, जैसे नाम वाक, स्थान वाक, पूंजी वाक, दायित्व वाक, ये सब मिलाकर 6 वाक्य होते हैं। 116 भारतीय रेलवे एक उदाहरण है, भारतीय रेल एक विभागीय उपक्रम का उदाहरण है। 117 कह रहा है पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन होता है, पार्षद अंतर नियम में भी परिवर्तन होता है, पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसमें भी हो सकता है, लेकिन पार्षद अंतर नियम तो एकदम स्वाभाविक है होता है, लेकिन कैसे होता है उसके लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है। 118 कह रहा है कि कंपनी का मूल प्रलेख है, कंपनी का मूल प्रलेख किसको कहा जाता है? पार्षद सीमा नियम को कहा है, इसे कंपनी का चार्टर्ड भी कहा जाता है। 119 कह रहा है क्वेश्चन कि पार्षद अंतर नियम संबंध स्थापित करता है, जो पार्षद अंतर नियम है किसके किसके बीच रिलेशनशिप बनाता है? तो ये कंपनी तथा इसके सदस्य, यूं कंपनी के सदस्यों के परस्पर संबंधों को बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120 कह रहा कि एक सार्वजनिक कंपनी को प्रविवरण निर्मित कर देना चाहिए, जब भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको प्रोस्पेक्टस कितने दिन पहले निर्मित कर देना चाहिए? 90 दिनों के अंदर निर्मित कर देनी चाहिए। 121 कह रहा है कि एक स्वतंत्र व्यवसाय में कंपनी सचिव की उत्पत्ति हुई, ध्यान दीजिएगा एक स्वतंत्र व्यवसाय में, सीधा इसका कहने का मतलब है कंपनी सचिव की उत्पत्ति कहां से हुई? तो कंपनी सचिव की उत्पत्ति पहली बार यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड से हुई, जैसे हर चीज की उत्पत्ति कहीं ना कहीं से होती है, तो यहां से इसकी हुई। 122 कह रहा है कि एक सार्वजनिक कंपनी में अंश आवंटित किए जाते हैं, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर आवंटित किसके द्वारा किए जाते हैं? तो संचालक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं। 123 कहता है कि पूंजी का वह हिस्सा जो कंपनी के समापन पर मांगा जाता है, अर्थात पूंजी का वह हिस्सा पहले नहीं मांगा जाता, जब कंपनी समाप्त होती है, विघटित होती है, बंद होती है, समापन होता है, तो उस समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है, उसे कौन सी पूंजी कहा जाता है? तो उसे संचित पूंजी या आरक्षित पूंजी के नाम से जाना जाता है। 124 कह रहा है आवरणहीन ऋण पत्र होते हैं, आवरणहीन ऋण पत्र का मतलब होता है कि जो किसी भी प्रकार के प्रभार से आरक्षित नहीं होते हैं, ठीक ना, आवरणहीन ऋण पत्र मतलब नग्न ऋण पत्र, ठीक ना, वाहक ऋण पत्र, नग्न ऋण पत्र होते हैं ऋण पत्रों के प्रकार में। नेक्स्ट 125 क्वेश्चन कह रहा है ऋण पत्रधारी को प्राप्त होता है, तो डिवेंचर होल्डर को केवल डिवेंचरों पर ब्याज मिलता है, वही शेयर होल्डर आएगा उसको डिविडेंड मिलता है। तो इस तरह ये 125 क्वेश्चनों का सीरीज हमारा कंप्लीट होता है। टोटल कंपनी लॉ में एमसीक्यू में 125 क्वेश्चन हुए। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी तरह वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए